सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड अनदर वीडियोस। तो बताओ कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। सो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने पिछले एपिसोड में भाई साहब ब्रॉक को हरा दिया था। ये देखो 19,000 रुपये मिल गए हमें ब्रॉक से, मज़ा आ गया। पहला बैच हमारे पास आ चुका है। सो गाइस, अभी हम अगला एपिसोड यानी कि हमारा 7 एपिसोड के लिए आगे चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ से जाना होगा और मैं आपको, आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना फास्ट कैसे जा रहा हूँ। सो गाइस, बी बटन दबा के आप जैसे ऐसे दबाएंगे आप फुल स्पीड में आ जाओगे। मैंने इन सबको हरा दिया, देखो कुछ नहीं बोलेंगे मेरे से, सब डर गए कि भाई इसने हमें हरा दिया है, इसीलिए ये लोग कुछ नहीं बोल रहे, बस डर के मारे बैठे हुए हैं। ये पोकेमॉन हील करता भाई, ये बंदा बड़ा सही है। ये आ गया आज हमारा आगे का काम। ओ भाई साहब, वाइल्ड जुबैक अटैक। पहले अब मैं सेव कर लेता हूँ। वाइल्ड जुबैक अटैक, ही हेल्प मी। तो भाई जल्दी से जाके हेल्प कर देते हैं भाई की। ओ लो, अभी हमें जुबैक से लड़ना पड़ेगा। और देखिएगा यहाँ पे मैंने अपने सभी पोकेमॉन का लेवल 18-18 कर दिया, क्योंकि भाई उन सभी ट्रेनर्स को मारने बहुत अच्छी एक्सपी मिल रही थी। तो मैं सोच रहा हूँ सबको 18-18 का कर ही देता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, फिर से बोल रहा हूँ, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नए हो तो। और हाँ, आपको जो के पोकेमॉन मास्टर का चैनल बताया था, अब वो भी आज ग्रे की जर्नी कंटिन्यू कर रहा है, तो भाई उसकी भी आज ग्रे की जर्नी कंटिन्यू देख लेना। तो अभी हम चलते हैं सिंपली आगे, सिंपली हम लोग आगे चलते हैं। और एम्प्टी स्टोन आ चुका है, मेरे को पता है इसका रास्ता कहाँ है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मत जाना, यहाँ से जाना, यूट्यूबर को देख रखा है अभी इसको हराने के लिए। यह हमें हमारा पीछा करेगा, मेरे को सब याद है जो जो होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस गेम को खेल रखा है, पहले खेला था मैंने इस गेम को, मज़ा आया था थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं आया था, इसलिए आपके साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसका चीट कोड चाहिए रेयर कैंडी का, तो भाई कमेंट में बता देना चाहिए कि नहीं, डाल दूंगा चीट कोड भी। लो उठ गया, ये मरी नहीं रहा, रुक जा, फास्ट फास्ट मार देता इसको मैं जल्दी से, सुला तो दिया ही है। ये उठ गया वापस से, मैं तो साउंड करके मेरा स्पेशल डिफेंस कम करेगा, पर भाई तू जा, तू घर से। वोल्ट्रो 12 वोल्ट्रो का मैंने ड्रम नहीं मार रखा, क्योंकि हमें तीसरा बैज हरा, एक ट्रेनर को हरा के जीतना। और भाई तीसरा एपिसोड तक तो, भले कि हमारे 10वें एपिसोड तक तो हमारे पास होगा अपना बल्बसौर, बल्बसौर 4 वेंडर स्क्वाडर, स्क्वाडर स्क्वाड टीम भी आएगी जल्दी से, फिर देखते कितना मज़ा आता है। मज़ा तो आएगा ही आएगा भाई, मेरे को इतना पक्का पता है, स्क्वाडर स्क्वाड टीम जो है वो मज़ा दिलाएगी भाई आते ही। यहाँ पे मैं इनको जल्दी से हरा देता हूँ। भाई ये क्या कर रहा है, ओ मेरे को लगा कोई खतरनाक अटैक मारा स्पेशल वाला, बस ये मरने वाला है, बस 2 मिनट रुक जाओ ये मर जाएगा, इसीलिए अभी जल्दी से। चलो भाई हार गया, अभी हमें शायद इधर जाना है, इधर ही जाना होगा। सो यहाँ पे भाई, यहाँ मेरे को याद है इस रास्ते में शायद जाना है। अरे यार ये वाइल्ड पोकेमॉन जब भी आता है बड़ा दिमाग ख़राब करता है भाई। अभी मेरे को ट्रेनिंग नहीं करनी, अभी मेरा लेवल शायद ठीक है, बाकी अभी देखें क्या होना है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बाकी जो नहीं भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। मेरे को याद आ गया, सॉरी मेरे को याद आ गया, मेरे को यहाँ पे जाना है ट्रेन रॉकेट के लिए। हाँ देखा, प्रिपेयर फॉर ट्रबल ट्रेबल भाई, ये जो बोला बोल रहे थे मूनस्टोन चोरी करना है, इनको बस मारना, इतना याद रखो। एटम को छोड़ने के लिए ये देखो स्लिप पाउडर का इस्तेमाल करो। मैं अभी आपको कुछ ट्रेनर टिप्स देना चाहूँगा, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो करो। ये जो आपको टैक्स दिख रहे हैं ये आपको रखने चाहिए अपने पास, ताकि आप जल्दी से जीत पाओ। ये अभी ये देखो स्लिप पाउडर इस्तेमाल करने के बाद मैं इन्हें आराम से हरा देता हूँ। अभी यहाँ पे नो भाई, अभी रुक जाओ यहाँ पे, अभी मतलब कि मेरे को जल्दी से भाई इनको हराना है, बस यही अभी मेरा कर्म है। एक तो इसने ये बटरफ्ली को पॉइजन में डाल दिया,
अभी यार ये पूरा टाइम हिलता रहेगा पूरी स्क्रीन। अरे भाई 19 लेवल हुआ यार, बिना ट्रेनिंग किए 19 लेवल हो गए, ये होते हैं ना बात। तो यहाँ पे अभी हम बैग में जाते हैं और पोशन है हमारे पास, एंटीडोट नहीं है भैंस की आँख भाई, पोशन है खाली। अभी ये हिलता रहेगा स्क्रीन, जल्दी जल्दी से वाइल्ड पोकेमोन को हरा के हम लोग आगे जाएंगे जल्दी जल्दी। अरे भाई रुक जा भाई, अरे अरे रुक भाई रुक रुक रुक, ये ऐसा ही होता रहेगा। और हाँ गाइस ये मैं बता रहा हूँ, वो भाई वो ट्रेनर यार तुझे आई जा गवा देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं अभी क्या होता है। सबसे पहले ओके करके इसके गस्त अटैक मारूंगा, गस्त जल्दी से रुक जाओ। एक गस्त अटैक मारा, ये वन शॉट किल, ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी दूसरा आएगा उसको भी मैं गस्त अटैक ही मारूंगा, देखते हैं बाकी जो होगा देखा जाएगा। भाई इसको तो गस्त ही लगेगा तभी आउट हो जाएगा, वन शॉट किल और ये गया। ऐसे गाइस हमने यहाँ पे वन शॉट किल कर दिया है, ऐसा फ्री फायर में इसको वन टैप बोलते हैं शायद, हाँ वन टैप बोलते हैं। हाँ भाई मेरे को पता है भाई, मैंने गेम खेली हुई है बहुत सारी। ये मैं कहाँ पे आ गया, रुक जाओ गाइस। एक बात और, अगर आपको रेयर कैंडी चाहिए तो देखो इधर आओ, शायद आपको यहाँ रेयर कैंडी मिल सकती है। मैं तो चाहता हूँ मेरे को यहाँ एंटीडोट मिल जाए रेयर कैंडी को, छोड़ो परे वो तो कभी भी मिल सकती है। लो भाई रेयर कैंडी मिल गई, तो भाई यहाँ पे रेयर कैंडी मैं देना चाहूँगा अपने पिजियोटो को। अभी आप लोग सोच रहे होंगे पिकाचू को क्यों नहीं, क्योंकि भाई आगे वाटर टाइप वाले पोकेमोन ज़्यादा आएंगे, तो भाई पिकाचू को फ्री फोकड़ में ट्रेनिंग मिल सकती है, इसलिए भाई बैक करो और ये ले लो ठीक मिला है। अरे यार रुक जाओ, लगता है टीम रॉकेट वाला रास्ता सही था। रुक जाओ यार, अभी मेरे को वापस घूम के जाना पड़ेगा, जल्दी से पहुंच जाता हूँ। बाकी बटरफ्री फ्रेंड होने वाली है, बटरफ्री फ्रेंड होने वाली है भाई। वैसे बटरफ्री को मारना ही अच्छा, मतलब जान से नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि अभी वो जाने तो वाली ही है। गोल्डन पिक का भूत आएगा ले जाएगा बटरफ्री को, अगर आपको याद होगा तो भाई सबको पता है मेडन पिक का भूत आएगा। लो बटरफ्री मर चुकी है, बटरफ्री हमारी शहीद हो चुकी है बहुत ही गंदी तरीके से। अभी हमारा पिकाचू और पिजियो तो बचे हैं। लो भाई अभी हम यहाँ पे कहीं पे आ गए, रुक जाओ मेरे को याद है मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को जाना वहाँ सीधा। भाई अगर आप मूनस्टोन में फंस जाते भाई तो मेरी ये वीडियो देख लो, पूरी 10 मिनट की बनी है मेरे को पता है। और अगले एपिसोड में भाई आपके भाई के हाथ में होगा एक खतरनाक सा सेकंड वेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा और रॉकिंग भी हो सकता है शायद। बाकी अभी जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। और रुक जाओ भाई बच गया, शुक्र है मैं उसने मेरे को देखा नहीं। यहाँ पे हमें मिलेगी रिवाइव, मेरे को पता था यहाँ पे रिवाइव मिलती है। और उरू उरू ये क्या है, वो कंपेरिज है भाई, मेरे को समझ आ गया ये सब बिल्कुल कॉपीराइट है। और शुक्र है मेरे वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है कृष्णा नाम का, वही वो कृष्ण भी खेलता है एडवांटेड नाम है उसका, तो उसके बारे में भाई कॉपीराइट आ रहा है। वो जो भी वीडियो बनाते हैं चाहे शॉर्ट बनाए चाहे जो मर्जी बनाए, उसकी हर एक वीडियो पे साफ साफ लिखा रहा है कॉपीराइट। तो भाई अगर आपको पता है इसका मतलब क्या है तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, इसको मैं अभी मार के आपसे तभी मिलता हूँ। तो यहाँ पे हमें जल्दी जल्दी से जाना होगा, जल्दी से यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइज गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। और हाँ गाइज अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि मैंने खुद बोला था कि आज की वीडियो सिर्फ 10 मिनट की बनेगी। तो गाइज गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।